रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल मिक्समेनिया। व्यूअर्स, आज हमारे पास एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री है जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि इंडिया का जो पंजाब है, भारतीय पंजाब, यहाँ पे एक इलाका है ब्रास। यहाँ पे तकरीबन 13 अंबिया इकराम के मज़ारात हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और ये जो वीडियो वहाँ पे एक साहब हैं फिरोज़ अहमद, ये उन्होंने बनाई है और उन्होंने सारे अंदर का विज़िट किया है। और उनके मुताबिक ये जगह आसपास कोई भी मुसलमान आबादी नहीं है दूर दूर तक। और इसको दरियाफ्त किया है शेख मुजद्दिद अल्फसानी इमाम रब्बानी अलमारूफ शेख सरहंद, जो कि मुजद्दिदी फ़िरके की मुजद्दिदी सिलसिले के बानी भी हैं। और उन्होंने इस जगह को दरियाफ्त किया था आज से 450 साल पहले। तो व्यूअर्स, इस जगह का विज़िट हम आपको कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम फिरोज़ अहमद है और मैं दिल्ली में रहता हूँ, हिंदुस्तान में। आज आपको एक मैं नई चीज़ दिखाता हूँ कि हिंदुस्तान में कुछ कब्रें हैं जो नबियों की हैं। ये पंजाब में एक गांव है जिसका नाम है बरास। 400 साल पहले इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह ने इन कब्रों को ढूंढा था। और ये तकरीबन 13 कब्रें हैं जिसमें से ये बताते हैं कि 9 कब्रें नबियों की हैं। और ये कब्रें तकरीबन 6000 साल पुरानी हैं। मैं दिखाता हूँ आपको, ये कब्रें हैं, तकरीबन 30 फुट लंबी कब्रें हैं। ये देखिए, 9 तो यहाँ पर हैं और 4 बाहर हैं। ये तकरीबन ज़मीन से 50 फुट ऊंचा टीला है और यहाँ दूर दूर तक कोई मुसलमान नहीं है। तकरीबन 100 किलोमीटर के रेडियस में कोई मुसलमान नहीं है यहाँ पर। ओ देखो जी, तबारक है मेरे। और ये एक अजीबोशान जगह है, जब यहाँ पर आकर के खड़े होते हैं तो वाकई बहुत अजीब सी कैफियत होती है। यहाँ से 20 किलोमीटर दूर सरहिंद नाम का एक एरिया है जहाँ पर इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र है। तकरीबन 400 सवा 400 साल पहले उन्होंने इन कब्रों को ढूंढा था और अपनी किताब में लिखा है कि ये जो है कब्रें सारी नबियों की हैं। ये एक छोटा सा कब्रिस्तान है, ये टीला है। इस गांव का नाम है बरास और ये बरास है पंजाब में, दिल्ली से तकरीबन 260 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पर इन्होंने एक छोटी सी मस्जिद भी बना रखी है, मस्जिद भी है और एक छोटा सा मदरसा भी है जिसमें लोग रहते हैं। यहाँ पर ये कुछ लोगों ने इसको इसकी मेंटेनेंस कर रखी है और एक मदरसा भी चला रखा है और एक मस्जिद भी है यहाँ पर। और 9 कब्रें अंदर हैं, बाकी ये बाहर हैं। एक कब्र यहाँ पर है, 2 कब्रें और एक ये मस्जिद है और एक छोटा सा मदरसा है यहाँ पर।
ये मस्जिद है। सामने मस्जिद है और ये मदरसा है। यहाँ बच्चे वजू बना रहे हैं। और यहाँ पर इसके बारे में कुछ लिखा है, इस इलाके में दूर दूर तक कोई मुसलमान नहीं है। अगर आपको कोई बात पूछनी हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9810095934। एक अजीम शान जगह है जिसके बारे में लोगों को बहुत कम पता है। बहुत कम लोग यहाँ पर आते हैं, बहुत लोगों को मालूम ही नहीं है कि यहाँ पर इतनी पुरानी कब्रें हैं। मैं दोबारा दिखाता हूँ इन कब्रों को। यहाँ पर आने के बाद एक अजीब ही कैफियत होती है, बिल्कुल डिफरेंट, बहुत सुकून मिलता है। ओके दोस्तों, खुदा हाफिज। जी तो व्यूअर्स, आपने ये जगह देखी और सारा इसको आपने एक तरह से विजिट किया और ये बहुत कम लोगों को मालूम है कि इंडिया के भारतीय पंजाब में बरास के मकाम पे एक ऐसी जगह है जहाँ 13 अंबिया कराम के मज़ारात हैं। तो आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आएगी। आप मिक्सम मीनिया को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इसकी वीडियोस को शेयर कीजिए और मालूमात आगे, ताकि आगे तक लोगों तक मालूमात ऐसी पहुँचे जो बहुत यूनिक होती हैं और बहुत कम लोगों को मालूम होती हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेगमेंट के साथ एक दफ़ा फिर हाज़िर होंगे। जुनेद सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।